गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक इज आवर चैप्टर नंबर 4, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, शेल्टर क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिया था। शेल्टर एक ऐसा प्लेस है जो कि हमको प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, किससे, हीट, कोल्ड, रेन, वाइन, एनिमल्स, इनसे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है शेल्टर। ओके, और हमारा जो शेल्टर होता है वो क्या होता है, एक हाउस। वी टेक शेल्टर इन ए हाउस। जब हम घर में रहते हैं, हमारे घर में हम कैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल और प्रोटेक्ट। घर हमें कैसा फील कराता है, कंफर्टेबल और प्रोटेक्ट फील कराता है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी किसकी नीड होती है, शेल्टर की नीड होती है, वो भी अपने लिए घर बनाते हैं। जैसे कि हॉर्स कहाँ रहते हैं, अस्तबल में, डॉग कैनल में रहते हैं, काउज साइड में रहती हैं, इस तरीके से उनका भी क्या होता है, एक घर होता है अपना। ओके, इसके अलावा हमने रीड किया था टाइप्स ऑफ हाउस में कि हाउस टू टाइप्स के होते हैं, पक्का हाउस और टेम्परेरी हाउस। तो कल की वीडियो में हमने पक्के हाउस के बारे में रीड किया था। तो पक्का हाउस किससे बने होते हैं, पक्के हाउस स्टोन, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील एक्सेट्रा, इनसे बने होते हैं। और वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग। मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, वो सिटीज और टाउन्स में पाए जाते हैं। जो पक्का हाउस होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, सिटीज या टाउन में। ओके, पक्के हाउस में क्या कौन कौन से हाउस आते हैं, बंगलू, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स और फ्लैट्स। ओके, यहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया था। पक्के हाउस को दूसरे और किस नाम से जानते हैं, परमानेंट हाउस। पक्के हाउस को कौन सा हाउस भी बोल सकते हैं, हम परमानेंट हाउस बोल सकते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कच्चा हाउस। कल की वीडियो में हमने पक्के हाउस के बारे में रीड किया था और आज हम कच्चा हाउस के बारे में रीड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट कच्चा हाउस। KUCCHA कच्चा, HOUSES हाउसेज कच्चा हाउसेज। हाउसेज मेड ऑफ मड, हाउसेज मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। हाउसेस मेड ऑफ MUD मड, मड किसको बोलते हैं, मिट्टी को, वुड मीन्स होता है लकड़ी एंड स्ट्रॉ मीन्स होता है कीचड़, तो आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। जो घर मिट्टी से, लकड़ी से, स्ट्रॉ से बनते हैं उनको कौन से हाउसेस बोलते हैं, कच्चा हाउस। ओके, कच्चा हाउस कौन से हाउस को बोलते हैं, किस किस से मिलके बनते हैं कच्चे हाउस, मड से, बुड से एंड स्ट्रॉ से, मड, बुड एंड स्ट्रॉ। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड हट्स, HUTS हट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड हट्स। वो क्या कहलाती है, हट्स भी कहते हैं उनको, कच्चे हाउस जो होते हैं उनको हम हट्स भी कहते हैं, HUTS हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी। कच्चे हाउस को हम क्या कहते हैं, हट भी कह सकते हैं। दे आर मोस्टली, MOSTLY मोस्टली फाउंड इन, FOUND फाउंड, IN इन, BILLAGES ब्लेजेस। दे आर मोस्टली फाउंड इन ब्लेजेस,
वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली विलेजेस, गांवों में पाए जाते हैं। और पक्के हाउस कहाँ पे पाए जाते हैं? सिटीज में। और कच्चा हाउस कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली विलेजेस में। ओके, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट, NOT, नॉट SO, सो STRONG, स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वे मजबूत नहीं होते हैं। जैसे पक्के घर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होता है पक्का हाउस, बट कच्चा हाउस जो होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग? क्योंकि वो किससे बनते हैं? मड, वुड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं। बट पक्का हाउसेस किससे बनते हैं? आयरन, स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, इनसे बने होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेम्परेरी हाउसेस, कच्चा हाउस को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। ओके, टेम्परेरी हाउस, सम हाउसेस कैन बी इजिली, सम हाउसेस कैन बी इजिली मूव्ड। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, जिनको हम कहीं भी ले जाके दोबारा बना सकते हैं, इस तरीके के हाउस। सम हाउसेस कैन बी इजिली, EASILY, इजिली, इजिली मीन्स होता है आसानी से। मूव्ड, MOVED, मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम हाउसेस कैन बी इजिली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस, दे आर कॉल्ड टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी, TEMPORARY को क्या बोलेंगे? टेम्परेरी हाउसेस, दे आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस। टेम्परेरी हाउस क्या होते हैं? जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। जैसे कि टेंट होता है, कारावन होते हैं, हाउस बोट होती है, उनको हम टेम्परेरी हाउस कह सकते हैं। इनको आसानी से हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं ना। HOUSE, हाउस, BOAT, बोट, हाउस बोट। हाउस बोट मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलती है? कश्मीर में। ओके, HOUSE, BOAT, हाउस बोट। हाउस बोट में भी जैसे घर होता है हमारा, उस तरीके से ही होती है, लेकिन हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो ये कैसा हाउस हुआ? टेम्परेरी। ओके, CARAVAN, कारावन। कारावन ऐसे होता है, कारावन जो होता है वो एक तरीके से जो हमारी बुलकार्ड होती है उसमें एक हाउस बनाया जाता है, उसको हम कारावन बोलते हैं। टेंट टाइप में जो हमारे आर्मी पुलिस पुलिस में जो होते हैं पुलिसमैन, वो कैसे क्या बना के रहते हैं? मोस्टली टेंट या कारावन में। ओके, CARAVAN, कारावन, एंड TENT, टेंट, आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस। हाउस बोट, कारावन एंड टेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेरी हाउसेस। हाउस बोट, कारावन और टेंट किसके एग्जाम्पल हैं? टेम्परेरी हाउस के। और पक्के हाउस के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? बंगला, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, फ्लैट्स। ओके, तो ये पक्के हाउस के थे और टेम्परेरी हाउस के हैं हाउस बोट, कारावन, टेंट। ठीक है, आपको आज कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस को रीड करना है। अच्छे से आपको रीड करना आना चाहिए। मैंने वन वन स्पेलिंग को बहुत अच्छे से आपको रिपीट किया है। ठीक है, सो टुडे होमवर्क इज योर, रीड दिस टॉपिक विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ओके, आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अच्छे से रीड करना है आपको।
जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बुक्स में से इसको रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, और जिनके पास वीडियो नहीं है वो सब बुक्स नहीं है वो वीडियो से इस टॉपिक को अंडरस्टूड करें और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स परचेज करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।